हाँ तो रूटे इस वीडियो के अंदर हम सुप्रीम पावर इक्विपमेंट के आईपीओ के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि इस आईपीओ के अंदर आपको कितना लिस्टिंग गेन मिल सकता है और आपको इस आईपीओ के अंदर अप्लाई करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ये कंपनी क्या काम करती है। तो देखिए जो कंपनी है 94 में ये कंपनी स्टार्ट हुई है, यानी कि लगभग 28 से 29 साल ये कंपनी को स्टार्ट हुए हो चुके हैं। देखिए जो कंपनी है, ये कंपनी की अगर हम मेन अगर हम प्रोडक्ट की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे ट्रांसफॉर्मर्स बनाने का ये काम करती है। और ट्रांसफॉर्मर्स की अगर हम बात करेंगे जो पावर से रिलेटेड यहाँ पे जो भी सेक्टर्स होते हैं उससे रिलेटेड यहाँ पे जो ट्रांसफॉर्मर्स होते हैं वो ये कंपनी हमें यहाँ पे बनाती हुई नजर आती है। इसमें अगर हम देखेंगे जो जनरेटर में जो ट्रांसफॉर्मर यूज किया जाता है वो ये कंपनी बनाती है। विंडमिल हो गया, फिर उसके अलावा आइसोलेशन हो गया, सोलर ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, फिर जो एनर्जी एफिशियंट ट्रांसफॉर्मर्स होते हैं तो ये सारे ट्रांसफॉर्मर्स ये कंपनी हमें यहाँ पे बनाती हुई नजर आती है। तो अगर हम मेनली अगर हम देखेंगे तो अभी पावर सेक्टर में अगर हम देखेंगे काफ़ी ज़्यादा केपेक्स हमें यहाँ पे होता हुआ नजर आ रहा है। अगर हम देखेंगे टाटा पावर हो गया या फिर टोरेंट पावर हो गया, अडानी पावर हो गया, तो ये तीनों अगर हम मेन अगर हम प्राइवेट कंपनीज की अगर हम बात करेंगे, टोरेंट पावर आई थिंक मेरे ख्याल से PSU रहेगा, मैंने देखा नहीं है, लेकिन टाटा पावर और अडानी पावर की अगर हम बात करेंगे तो ये दोनों में प्राइवेट कंपनी नजर आती है। इनकी अगर हम देखेंगे तो लगभग अगर हम देखेंगे दोनों कंपनीज का मिला के लगभग 1 लाख करोड़ से भी ज़्यादा का अगर हम देखेंगे तो केपेक्स ही हमें पावर सेक्टर के अंदर करते हुए नजर आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अगर यहाँ पे पावर सेक्टर के अंदर अगर देखेंगे जो मेन यहाँ पे जो प्रोडक्ट रहता है वो यहाँ पे ट्रांसफॉर्मर की जो रिक्वायरमेंट रहती है वो काफी ज्यादा रहती है। डेफिनेटली अगर 1 लाख करोड़ का कैपेक्स अगर यहाँ पे होने वाला है तो वहाँ पे जो ट्रांसफॉर्मर की डिमांड है वो यहाँ पे काफी ज्यादा रहेगी। तो पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखेंगे डेफिनेटली यहाँ पे एक कंपनी को उसका फायदा होता हुआ नजर आएगा। और अगर हम यहाँ पे जो ट्रांसफॉर्मर से रिलेटेड अगर हम स्टॉक की भी अगर हम बात करेंगे तो जितने भी ट्रांसफॉर्मर से रिलेटेड यहाँ पे स्टॉक्स है वो भी हमें ऑल टाइम हाई पे भी ट्रेड होते हुए नजर आ रहे हैं। तो उस पॉइंट से देखा जाए तो कंपनी का IPO एकदम यहाँ पे परफेक्ट टाइम पे हमें आता हुआ नजर आ रहा है। तो ये कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये सेक्टर अभी मार्केट फैंसी सेक्टर हमें यहाँ पे नजर आता है। अब उसके अलावा अगर हम यहाँ पे कंपनी के IPO के बारे में बात करेंगे, यानी कि जो कंपनी का ऑब्जेक्टिव है उसके बारे में अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे कंपनी को कुछ कैपेक्स वगैरह यहाँ पे कंपनी को करना है, यानी कि कुछ कैपेसिटी वगैरह कंपनी को बढ़ानी है, तो उसके रिगार्डिंग यहाँ पे कंपनी का IPO आ रहा है। और उसके अलावा अगर हम देखेंगे जो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट है उसके रिगार्डिंग यहाँ पे कंपनी का IPO में आता हुआ नजर आ रहा है। और बाकी अगर हम देखेंगे जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेज यहाँ पे कंपनी मेरे ख्याल से जो पैसा आएगा वो ऐसी कंपनी के पास में पड़ा रहेगा, या फिर वो नॉर्मल कुछ एक तरीके से हम बोल सकते हैं ऑफिस पार्टी वगैरह हो गई या फिर IPO से पैसा रेज हो जाए तो उसके अंदर यूज होने वाला है। और उसके अलावा यहाँ पे IPO से रिलेटेड जो कंपनी का एक्सपेंस लगने वाले वो भी कंपनी हमें यहाँ पे इसी से यूटिलाइज करती हुई नजर आएगी। अब अगर हम यहाँ पे कंपनी के प्रमोटर्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए वी राजमोहन जी हमें यहाँ पे कंपनी के प्रमोटर नजर आते हैं, और उसके अलावा प्रदीप कुमार जी, ये दोनों हमें यहाँ पे कंपनी के प्रमोटर नजर आते हैं। अब अगर हम कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए लगभग 99 करोड़ के लगभग का रेवेन्यू का नंबर कंपनी का पिछले साल का हमें यहाँ पे नजर आता है। और अगर हम अभी 4 महीने के नंबर की अगर हम बात करेंगे लगभग 40 करोड़ के लगभग ये नंबर हमें नजर आता है। और इसको अगर हम एनुअलाइज बेसिस पर अगर हम कन्वर्ट करेंगे तो लगभग यहाँ पे 120 करोड़ के लगभग का नंबर हमें नजर आता है। और मुझे लगता है कि यहाँ पे थोड़ा मंथ ऑन मंथ भी थोड़ा हमें ग्रोथ आता हुआ नजर आएगा, तो लगभग 130 करोड़ के लगभग का रेवेन्यू का नंबर हमें यहाँ पे नजर आता है, जो कि इंडिकेट कर रहा है कि पिछले साल के कंपैरिजन में अराउंड 30% के लगभग का रेवेन्यू ग्रोथ हमें यहाँ पे नजर आ सकता है। और अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी की बात करेंगे तो यहाँ पे 11 करोड़ के लगभग का नंबर पूरे साल का हमें यहाँ पे नजर आता है। यहाँ पे 4 महीने में लगभग 5 करोड़ के लगभग का प्रॉफिट यहाँ पे कंपनी ने कमाया है, यानी कि अराउंड 1.2 करोड़ के लगभग का प्रॉफिट हमें यहाँ पे पर मंथ का नजर आता है। और इसको अगर हम यहाँ पे एनुअलाइज बेसिस पर अगर हम करते हैं तो मुझे लगता है कि लगभग 14 से 15 करोड़ के लगभग का जो प्रॉफिट का नंबर है वो यहाँ पे कंपनी का ये पूरे फाइनेंशियल ईयर में हमें होता हुआ नजर आ सकता है, यानी कि अराउंड 30 से 40% के लगभग का प्रॉफिट ग्रोथ मुझे लगता है कि यहाँ पे हो। हाँ तो अराउंड 30 से 40% के लगभग का जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो मेरे ख्याल से यहाँ पे हो सकता है, और अराउंड 30% के लगभग का रेवेन्यू ग्रोथ यहाँ पे हो सकता है। और अगर हम प्रॉफिट मार्जिन की भी अगर हम बात करेंगे तो लगभग यहाँ पे 10 से 11% के लगभग का प्रॉफिट मार्जिन हमें यहाँ पे नजर आता है। तो देखिए मेरे ख्याल से जो नेट प्रॉफिट मार्जिन का नंबर है मेरे ख्याल से अच्छा है, क्योंकि अगर हम बिजनेस मॉडल की अगर हम बात करेंगे तो B2B वाला बिजनेस मॉडल हमें यहाँ पे नजर आता है। तो यानी कि जो पावर कंपनीज होती है, जैसे कि अगर हम देखेंगे टाटा पावर हो गया, अडानी पावर हो गया, या फिर उसके अलावा जो यहाँ पे जो प्राइवेट यानी कि जो PSU से रिलेटेड जो भी यहाँ पे पावर कंपनीज होती है तो वो हमें यहाँ पे मेन कंपनी के यहाँ पे कस्टमर्स नजर आते हैं। तो उस पॉइंट से अगर हम देखेंगे तो B2B वाले बिजनेस मॉडल में मेरे ख्याल से 10 से 11% का मार्जिन अच्छा है। और यहाँ पर अगर एसेट टर्नओवर रेशियो अगर कंपनी का लगभग 4-5 गुना के लगभग अगर यहाँ पे कंपनी का रहेगा तो वहाँ पे डेफिनेटली वहाँ पे लगभग 15 से 20% के लगभग का जो ROE कंपनी हमें मेरे ख्याल से कर सकती है।
अब अगर हम आईपीओ की डिटेल्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए 21 तारीख को ये आईपीओ में स्टार्ट होता हुआ नजर आएगा और 26 तारीख को ये आईपीओ में क्लोज होता हुआ नजर आएगा। तो आपके लिए अच्छी बात ये यहाँ पे 23, 24, 25 ये तीनों दिन हमें हॉलीडेज नजर आता है, 23, 24 वीकेंड है और 25 को हमें क्रिसमस नजर आता है, तो 26 तारीख को ये आईपीओ में क्लोज होता हुआ नजर आएगा। तो डेफिनेटली यहाँ पे आप 26 को यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। अगर हम प्राइस बैंड के बारे में अगर हम बात करेंगे तो 65 रुपये पे कंपनी हमें शेयर देती हुई नजर आ रही है, 2000 शेयर्स का हमें यहाँ पे लॉट नजर आता है, यानी कि एक लॉट को अप्लाई करने के लिए यहाँ पे 1,30,000 रुपये आपको यहाँ पे लगने वाले हैं। और अगर हम यहाँ पे इश्यू साइज की अगर हम बात करेंगे तो 46,67,00,000 रुपीज के लगभग का आईपीओ में यहाँ पे नजर आता है, यानी कि अराउंड 35% रिटेल कोटा के हिसाब से अगर हम यहाँ पे बात करेंगे तो लगभग 14-15 करोड़ के लगभग का रिटेल कोटा में यहाँ पे कंपनी का नजर आता है। और अगर हम लिस्टिंग की अगर हम बात करेंगे तो NSE के SME प्लेटफॉर्म पे ये कंपनी हमें लिस्ट होती हुई नजर आएगी। और उसके बाद में अगर हम यहाँ पे टाइम टेबल के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए 27 को ही आपको पता चल जाएगा कि आपको अलॉटमेंट मिला है, यानी अगर अलॉटमेंट नहीं मिलता है तो 28 को आपको रिफंड मिल जाएगा, 28 को ही आपके डिमेट अकाउंट में शेयर आ जाएंगे अगर आपको अलॉटमेंट मिलता है, और 29 तारीख को ये कंपनी हमें लिस्ट होती हुई नजर आएगी। अब एटीएन अगर हम यहाँ पे वैल्यूएशन के पैरामीटर्स के पहले अगर हम यहाँ पे कंपनी के आरओसी की अगर हम बात करेंगे तो आरओसी का नंबर यहाँ पे काफी ज्यादा नजर आता है, क्योंकि मेरे ख्याल से इतना ज्यादा वर्थ नहीं रहेगा, लेकिन मेरे ख्याल से अभी इतना ज्यादा कैपिटल ये कंपनी रेज करी है। अगर आप देखोगे अराउंड 46 करोड़ का यहाँ पे जो कंपनी का इक्विटी है वो हमें यहाँ पे बढ़ता हुआ नजर आएगा, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं जो आरओई का नंबर है हमें यहाँ पे 20% से कंपनी का जो है वो हमें यहाँ पे कम होता हुआ नजर आएगा। अब अगर हम यहाँ पे वैल्यूएशन के पैरामीटर्स की अगर हम बात करेंगे तो देखिए लगभग यहाँ पे 160 करोड़ के मार्केट कैप पे ये कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। तो उसके हिसाब से अगर हम बात करेंगे लगभग 15 करोड़ का अगर हम फॉरवर्ड यहाँ पे, यानी कि जो अभी 23-24 वाला जो ईयर चल रहा है इसके हिसाब से अगर हम 15 करोड़ की अर्निंग्स अगर हम मान के चलते तो उसके हिसाब से यहाँ पे 10-11 के पी रेशियो पे ये कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। और अगर हम अर्निंग की ग्रोथ की अगर हम बात करेंगे अराउंड 25-30% यहाँ पे कंपनी का जो अर्निंग ग्रोथ है वो हमें यहाँ पे नजर आता है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे लगभग 25-30 के लगभग का पी रेशियो मार्केट ये कंपनी को दे सकता है, उसमें मेरे ख्याल से यहाँ पे कोई दिक्कत वाली बात नहीं रहेगी। और उसके अलावा भी अगर हम देखेंगे अगर मार्केट में फ्री फ्लोट थोड़ा कम रहेगा, यानी कि अगर मार्केट में नंबर ऑफ शेयर्स अगर कम रहेंगे तो इसके हिसाब से लगभग 40 से 50 के लगभग का पी रेशियो भी मार्केट ये कंपनी को देता हुआ नजर आ सकता है। और इसके अलावा अगर हम यहाँ पे ग्रे मार्केट की अगर हम बात करेंगे लगभग 50 रुपए पर शेयर का ग्रे मार्केट हमें यहाँ पे ये कंपनी का नजर आता है, जो कि इंडिकेशन दे रहा है कि यहाँ पर अगर आपको अलॉटमेंट मिलती तो लगभग 1,00,000 रुपए यहाँ पे ऊपर ये एक लॉट के ऊपर यहाँ पे ये कंपनी हमें ऊपर खुलती हुई नजर आ सकती है। तो ऑल ओवर देखा जाए तो मुझे यहाँ पे कोई ये कंपनी में नेगेटिव नजर नहीं आया है, और यहाँ पे हो सकता है कि आपको ये जो 1.11 का डेट टू इक्विटी रेशियो है ये आपको थोड़ा नेगेटिव लगेगा, लेकिन मेरे को ये नेगेटिव नहीं लगेगा, क्योंकि अगर आप देखोगे अभी अराउंड 46 करोड़ से कंपनी का इक्विटी हमें बढ़ता हुआ नजर आएगा, तो इसके बाद में जो डेट टू इक्विटी की अगर हम बात करेंगे तो वो 1 के नीचे हमें जाता हुआ नजर आएगा, तो उससे जो कंपनी की लॉन्गिविटी है वो भी हमें कहीं ना कहीं यहाँ पे बढ़ती हुई नजर आएगी। तो मेरे ख्याल से देखा जाए तो डेफिनेटली आपको यहाँ पे लिस्टिंग इनके लिए डेफिनेटली अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि वैल्यूएशन यहाँ पर आपके साइड में, तो मुझे लगता है कि अगर मार्केट में थोड़ी अनसर्टेनिटी भी जाती है तो जो अभी लगभग 80% के लगभग का जो प्रीमियम मार्केट में आ रहा है तो वो थोड़ा बहुत 50-60% के लगभग हो जाएगा, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि ये कंपनी प्रीमियम पे हमें लिस्ट होती हुई नजर आएगी। और उसके अलावा अगर हम लॉन्ग टर्म एंडिवेश भी अगर हम बात करेंगे, यानी कि अगर ये कंपनी डबल पे लिस्ट होती है तो वहाँ पे लगभग 22 के लगभग का पी रेशियो ये कंपनी का हो जाएगा, और उसके बाद अगर आप देखोगे 22 के बाद में मुझे लगता है कि ये कंपनी में अगर अर्निंग ग्रोथ अच्छा रहता है, यानी कि अराउंड 25-30% से ज़्यादा का ग्रोथ अगर यहाँ पे अर्निंग का रहता है तो मार्केट वहाँ पे डेफिनेटली अराउंड 30-35 के लगभग का पी रेशियो भी यहाँ पे ये कंपनी को दे सकता है। यानी कि अगर आपको थोड़ा अगर रिस्क लेना है, अगर आपको थोड़ा, क्योंकि देखिए जब कंपनी कोई भी डबल पे लिस्ट होती है तो वहाँ पे वैल्यूएशन थोड़ा मैटर नहीं करता, क्योंकि वहाँ पे कहीं ना कहीं थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आती है, लेकिन अगर आपको थोड़ा रिस्क लेना, अगर आपको थोड़ा लंबे पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपका होराइजन है तो वहां पे डेफिनेटली अगर ये कंपनी डबल लिस्ट होती है तो वहाँ पर भी डेफिनेटली आप इसको बाय कर सकते हो, मेरे ख्याल से वहाँ पर भी वैल्यूएशन इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं होंगे, तो उस पॉइंट से मेरे ख्याल से आपने इसे देखना चाहिए। लेकिन अगर ये कंपनी 3 गुना लिस्ट हो जाती है तो वहाँ पर सीधा लगभग 34-35 के लगभग का पी रेशियो हो जाएगा, तो वहाँ पर मेरे ख्याल से थोड़ा आपको सोचना चाहिए। लेकिन अगर डबल पे ये कंपनी लिस्ट होती है तो वहाँ पर डेफिनेटली अगर आप थोड़ा रिस्क लेना चाहते हैं तो आप इसको बाय कर सकते हो। तो दोस्तों मैं कहता हूँ कि सुप्रीम पावर के आईपीओ के बारे में आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा, अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूँगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।